खाता किताब से निकालते वो एक अलग प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया है और माफ करना एक अलग चीज है राहुल गांधी इसका ही फर्क नहीं समझ रहे खाते खाते को किताब से निकालना माने माफ करना नहीं है क्योंकि वसूली जारी रहती है कार्रवाई जारी रहती है और बैंक पैसा वसूलती है वो खाता बंद नहीं होता खाता केवल बैंक के दिखने वाले क्योंकि ग्राहक को सही जानकारी देनी चाहिए जो डिपॉजिटर है उसको सही जानकारी बैंक की मिले इसके लिए वो राइ, रे, राइटिंग ऑफ करते हैं तो राइटिंग ऑफ का मतलब है कि बैंक का वो खाता जो थकित हुआ है उस थकित खाते को बैंक के हिसाब में ना दिखाना लेकिन उसका मतलब वो माफ़ किया नहीं है यही भ्रम फैलाने की राहुल गांधी पिछले दो साल से कोशिश कर रहे हैं ये कोशिश नाकाम होगी थोड़ी तो समझ बढ़ाइए चिदम्बरम जी इतना तो ट्वीट करिए इतना तो समझाइए कि राइटिंग ऑफ क्या है और वेविंग ऑफ क्या है दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स और इसलिए हमने देखा है नीरव मोदी को जेल में जाकर बैठना पड़ा उनके संपत्तियों का नीलाम हो गया उनकी संपत्तियाँ तोड़ी गई उनकी संपत्तियाँ कब्जे में कर ली गई तो ये सब हम देख रहे हैं मल्ला का सारे रास्ते अब वहाँ भाग भारत से भागने के रास्ते बंद हो गए हैं उसको वापस आना ही पड़ेगा ये जो सब हो रहा है ये इसका उदाहरण है कि किसी का कर्जा माफ़ नहीं किया है बल्कि कार्रवाई जोर से चल रही है ये जो सारे खाते थकित हुए हैं उसमें से बहुत का सोर्स और बहुत का समय ये यूपीए के समय में खाते इस तरह के कर्जे दिए गए और बिगड़ गए तो इसका ये परिणाम है तो राहुल गांधी समझ ले राइटिंग ऑफ ये वेविंग ऑफ नहीं है ये माफी नहीं है तो कर्जे की किसी एक पैसे की भी माफी मोदी सरकार ने नहीं की है टुडे आई वाज टेकन अ बैक बाय राहुल गांधी कॉमेंट दैट मोदी गवर्नमेंट एज वेव्ड ऑफ सिक्सटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीस नॉट ए सिंगल पैसा हैज बीन वेव्ड ऑफ राइटिंग ऑफ इज नॉट वेविंग ऑफ